नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये बताने के लिए आप सब कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो अभी 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे और मैं सुबह सुबह नाश्ता बनाने के बाद मैं कपड़े धोए, कपड़े मतलब सुबह झाड़ू पोछा करने के बाद नाश्ता बनाई, उसके बाद कपड़े उपड़े धो के सूखने के लिए डाल दी हूँ। उसके बाद मैं पूजा कर रही हूँ, सूर्य देव को जल चढ़ाई, उसके बाद मैं तुलसी माता को जल जल दे रही हूँ। तुलसी, और ये तुलसी का पौधा जो है ना, बहुत बड़ा हो गया था, कुछ कुछ सूख भी गया था, आधा आधा सूखा था, आधा कच्चा था। तो उसको ना मैं उखाड़ के ये छोटा वाला पौधा लगा दी हूँ। देखिए, छोटा सा तुलसी का पौधा और सामने ही निकला था, छोटा छोटा तुलसी का पौधा। ये देखिए, बजरंगबली भगवान के सामने निकले हैं छोटे छोटे तुलसी माता के पौधे। तो वही मैं उखाड़ के यहाँ पे लगा दी हूँ। तुलसी का पौधा बहुत बड़े हो गए थे ना, तो सूख गए थे, इसी वजह से नए वाले लगा दी हूँ। और मैं फूल चढ़ाई और उसके बाद मैं अगरबत्ती जला रही हूँ। उसके बाद मैं घर में भी दिखाई अगरबत्ती, उसके बाद यहाँ मैं आ गई हूँ पूजा घर में। और पूजा घर में वैसे तो मैं मिट्टी मिट्टी से लीप देती हूँ नहाने के बाद, तो आज मैं गोबर से ही लीपती हूँ। और पूजा घर में मैं नहाने के बाद ही लीपती हूँ, गोबर से ही लीपती हूँ। मिट्टी से लिपने से थोड़ा अच्छा दिखता है, तो आज गोबर गोबर ही लगाती हूँ। और देखिए, यहाँ पे तेल गिरा हुआ है, तेल से ऐसे गंदा गंदा दिख रहा है। गंदा नहीं है, तेल का दाग हो जाता है मिट्टी के घर, कच्चा घर में ऐसा ही अगर तेल गिरता है ना तो दाग हो जाता है, दाग दाग सा। तो लग रहा है कि कितना गंदा है, गंदा नहीं है। मैं सुबह मतलब नहाने के बाद ही लिपी हूँ। और उसके बाद मैं देखिए दिया जलाई हूँ, दिया जलाने मैं पहले आसन बिछाई, दिया जलाई, उसके बाद भगवान को भोग लगा दी हूँ, फूल चढ़ाई हूँ। उसके बाद मैं पूजा कथा कथा कर रही हूँ, कथा कथा कर रही हूँ। उसके बाद ऊपर पटा में भी है, उत्सव में भी फूल उल चढ़ा दी हूँ। और इधर एक दिया रखा हुआ, बड़ी वाली जो दिया दिख रहा है, इसे मतलब सांझ के समय इसमें दिया लगाते हैं। और ये वो छोटे वाले दीपक से सिर्फ मंदिर में जलता है, छोटा वाला दीपक, और बड़ी वाली दीपक में सांझ के समय लगाते हैं। और यहाँ पे तेल, दो बोतल दिख रहा है, एक तिल का है तेल और एक सरसों का तेल है। डलिया वगैरह रखा हुआ है बगल में, प्लास्टिक का डलिया रखा हुआ है, उसमें बाती वगैरह, रुई, घी, ये सब रखा हुआ है। उसके बाद मेरा पूजा कथा हो गया है, उसके बाद मैं आरती करूँगी। आरती करने के लिए मैं ऊपर पटा में रखा हुआ था दीप, ये सॉरी कपूर रखा हुआ था, कपूर को मैं उतारी हूँ डिब्बी में, डिब्बा से। उसके बाद मैं कपूर को जला जला रही हूँ, उसके बाद मैं आरती करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहीं पे मैं वीडियो का एंड करती हूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहीं पे तो मैं अभी आरती कर रही हूँ, मैं बोलना भूल जाती हूँ लाइक शेयर करना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।
यहाँ पे आरती करने के बाद बाहर वाले रूम में भी कोई आरती कर, वहाँ भी कुछ कुछ फोटो रखा हुआ है, तो वहाँ भी मैं आरती दिखा रही हूँ बाहर वाले रूम में भी। उसके बाद मैं आ गई हूँ पूजा रूम में, उसके बाद मैं भोग जो चढ़ाई हूँ ना सब उठा देती हूँ। बच्चों को मैं आरती दे रही थी और अभी बाहर मोबाइल पकड़ी हुई थी कैमरा, बाबू को